हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक अन्य वन ब्लॉग के एपिसोड में। और सब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। यार मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था वन ब्लॉग में खेलने के लिए। यार ब्रूनो की याद आ रही थी। और ब्रूनो कैसा है? हाँ, ब्रूनो तो ठीक है। हाँ ब्रूनो, बोर हो भी कैसे सकता है, साइड में शीरो भी तो है। हाँ, मुझे पिछले एपिसोड के कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बताया था कि मसाओ के पेट को ना बार बार ये पोलर बियर मार रहा था। हाँ दोस्तों, मैंने भी पढ़ा था कि ना पोलर बियर मार देता है फॉक्स को। यार ये क्या बात हुई, इस पोलर बियर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए रुक जा, पोलर बियर को पीछे बांध देते हैं फिर वो नहीं मारेगा अगली बार अगर मसाओ का पेट स्पॉन हुआ तो। हाँ चेक भैया ने सही कहा, मैंने पोलर बियर को पीछे बांध दिया। अरे दोस्तों, मेरे पास ना थोड़ा सा मटन पड़ा है, मैं उसको पकने के लिए डाल देता हूँ। हाँ बोस, वो पकने के लिए डाल दो, फिर हमारे पास खाने की कमी नहीं होगी। हाँ हमारे पास ना बहुत सारा मेलन भी पड़ा है, मैं उसको भी चेस्ट में रख देता हूँ। और मशरूम स्टू भी पड़ा है, अभी मशरूम स्टू खा लेते हैं। ओए हाँ, स्टू खा ले फिर पेट भर जाएगा। हाँ अभी पेट नहीं भरा, मैं रेड काउ से और मशरूम ले लेता हूँ, ये भी खा लेता हूँ। चलो चलो, मेरा पेट भर गया, बहुत बढ़िया। अरे और ले लो ना इमरजेंसी के लिए। हाँ मैंने और भी ले लिया। अरे दोस्तों देखो, ये जगह कितनी खाली है, यहाँ पे तो एक भी पेड़ नहीं उगा रखा हमने। हाँ कोई बात नहीं, कजामा काम पे लग जाओ। अरे हर बार मैं ही क्यों काम पे लगूं? अरे कोई बात नहीं कजामा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, आ जाओ चलो सैपलिंग्स लगाते हैं यहाँ पे। ओए चल आ जा, मैं भी लगा लेता हूँ। अरे थैंक यू दोस्तों, चलो साथ में सैपलिंग्स लगा लेते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, पेड़ तो अब सारे उग रहे हैं, चलो ब्लॉक्स माइन कर लेते हैं। हाँ मैं भी यही कहने वाला था, अब सारे पेड़ उड़ रहे हैं, चलो दोस्तों ब्लॉक्स माइन कर लेते हैं थोड़ी देर। और कितने ब्लॉक्स माइन करने हैं दोस्तों? अरे ये क्या, दो तो स्केलेटन स्पॉन हो गए। हाँ कोई बात नहीं मसाओ, तुम हमारे पीछे हो जाओ, मैंने शील्ड आगे कर रखी है। ओए बहुत बढ़िया शिनचान, शील्ड आगे रख ले। अरे दोस्तों ये क्या, ब्रूनो भाग रहा है स्केलेटन्स की ओर। अरे लगता है ब्रूनो वो स्केलेटन को मारने चला गया। हाँ ये तो अच्छा नहीं, अगर ब्रूनो को उसने मार दिया तो। अरे यार ये क्या, वो ब्रूनो को मार, अरे ये क्या, हाँ ये क्या, ब्रूनो ना वो स्केलेटन को मारते मारते नीचे कूद गया। अरे लिखाया वुल्फ फेल आउट ऑफ द वर्ल्ड। अरे यार ये क्या बात हुई, सड़े हुए स्केलेटन की वजह से मेरा ब्रूनो मर गया, इसको तो मैं मार दूंगा अच्छा खासा। मैंने सोचा था अभी उसको बैठ के रॉटन फ्लैश खिलाऊंगा, इसने मेरे ब्रूनो को मार दिया, पागल निकल जाए यहाँ से। हाँ शांत जाओ, कुछ नहीं होता, तुम मेरा शीरो रख रो। अरे नहीं शिनचान, ऐसी कोई बात नहीं है यार। और यार कजामा के डॉगी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। कजामा कोई बात नहीं, चल शांत हो जा। हाँ कजामा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा भी मत करो। हाँ मैंने कजामा को कभी भी इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा। ओए मैंने भी नहीं देखा, मुझे नहीं पता था मेरे अलावा भी कोई गुस्सा कर सकता है। अरे नहीं जैक भैया, नॉर्मल इंसान को जब गुस्सा आता है ना तो वो तभी गुस्सा करता है, आप तो हर वक्त ही गुस्सा करते रहते हो, आपकी तरह नहीं है। और यार तू कहना क्या चाहते है, अभी बात कजामा के डॉगी की हो जाए, तुम मेरी बेस्ती को कर रहे हैं। हाँ यार कोई बात नहीं, चलो दोस्तों माइनिंग कर लेते हैं। हाँ कजामा भूल जाओ, चलो माइनिंग कर लेते हैं। अरे यार कोई बात नहीं दोस्तों, तुम लोग माइनिंग कर लो। अरे नहीं कजामा, अगली बार कोई डॉगी स्पॉन हुए तो उसको तुम रख लेना। अरे यार कोई बात नहीं, चलो यार माइनिंग कर लेते हैं हम। हाँ ये क्या, मैं माइनिंग कर रहा था, दो स्केलेटन स्पॉन हो गए। अरे यार ये बार बार क्यों स्पॉन होने जा रहे हैं? ओए यार पागल है, ये लोग हर 10 मिनट में स्पॉन हो जाते हैं, शांति से माइनिंग भी नहीं करने देते, पागल स्केलेटन कहीं के। हाँ यार सच में बड़े पागल है, और इनकी वजह से मेरा ब्रूनो भी मर गया, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ कजामा इनको छोड़ो मत, मार दो इनको। हाँ कजामा मार दो इसको। यार ये देखो पीछे से मार रहा है पागल कहीं का, निकल जाए यहाँ से, बार बार स्पॉन हो जाता है, मुझे मार देता है, मेरे इसकी वजह से मेरा ब्रूनो मर गया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये ले मेरे एक्स से मर जा, निकल जाए यहाँ से। आया बड़ा मेरे को मारे जा रहा है, 1 हार्ट पे पहुंचा दिया, निकल यहाँ से। बहुत बढ़िया कजामा, मुझे पता ही नहीं था कि तुम मॉब से इतना अच्छा लड़ते हो। हाँ कजामा बहुत अच्छा लड़े तुम। और यार सुबह हुई नहीं, फिर से आ गई है स्केलेटन्स पिटने के लिए। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। हाँ क्या प्लान है? अरे मैं ना ये वाले स्केलेटन को घर के अंदर ब्लॉक कर देता हूँ, 1 सेकंड, ये लो ब्लॉक कर दिया, अब वो वाले को मार देता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया कजामा, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ कजामा बहुत बढ़िया, देखो वो स्केलेटन एंड पे, उसको गिरा दो। हाँ कजामा उसको गिरा दो। अच्छा ठीक है, मैंने उसको गिरा दिया। हाँ बहुत बढ़िया, अब जल्दी से ना ये मशरूम स्टू खा के अपने हार्ट बढ़ा लो। और बहुत अच्छा आइडिया था, अब तो एक और बाउल ले ले इमरजेंसी के लिए। हाँ ठीक है, अब ये घर वाले को मारता हूँ। अरे यार मेरे पास सिर्फ पिकैक्स है, काम करता हूँ, बो भी पड़ी है, बो से मार लेता हूँ उसको। हाँ बो से इसको स्टाइल में मारो। ओए बो से इसको स्टाइल में मारियो, ठीक है कजामा? हाँ ठीक है, मैं इसको बो से स्टाइल में मारूंगा। आजा दरवाजा खोल दिया, निकल अब। अरे बहुत बढ़िया, ये देखो, और ये मैंने बो मारी इसको और ये मर गया। अरे मरा नहीं यार, एक और शॉट मारना पड़ेगा। हाँ कजामा मरना मत। अरे मेरा बो का शॉट लग गया और ये मर गया। अरे यार मैंने इसको मार दिया। अरे बहुत बढ़िया कजामा, तुमने तो इसको बो से ही मार दिया, तुम तो बड़े महान हो यार, बहुत प्रो हो गए हो यार तुम तो आज। हाँ आज कजामा तो कुछ ज्यादा ही प्रो बन रहे हैं। चलो दोस्तों थोड़ी देर माइनिंग कर लेते हैं। अरे दोस्तों ये क्या, ये तो अब
अपग्रेड हो रहा है। ओए बहुत बढ़िया, आप इतने दिनों के बाद अपग्रेड हो रहा है। हाँ, इतने एपिसोड्स के बाद अपग्रेड हो रहा है, मजा आएगा। देखते हैं अब कौन सा वाला खुलेगा। अरे हाँ, अब कौन सा वाला खुलेगा, मुझे भी देखना है। अरे यार ये 5 सेकंड्स में हो जाएगा। हाँ, 3 और 2। अरे 1 हो गया और 1 हो गया। अरे दोस्तों, हम फेस 4 ओशन में आ गए। हाँ, मतलब हमें पानी वाली चीजें मिलेगी। और ये देख, यहाँ पे तो सैंड पड़ी है, मतलब अब सैंड जैसी चीजें मिलेगी जो पानी के अंदर होती है। हो जैक भैया ने सही कहा, अब हम हमारे घर के लिए खिड़कियाँ बना सकते हैं। हाँ, फिर तो ये बहुत सही है। अरे दोस्तों ये देखो, यहाँ पे तो रंग बिरंगे ब्लॉक्स भी आ रहे हैं। अरे ये तो पानी के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स होती है उनके ब्लॉक्स है। हाँ, इसका मतलब हम हमारे आइलैंड को इन ब्लॉक्स से रंग बिरंगा बना सकते हैं। ओए तूने ऐसा ही बोला। हाँ शिनचान ने सही बोला, हम अब हमारे आइलैंड को रंग बिरंगा बना सकते हैं इन ब्लॉक्स से। हाँ यार दोस्तों, अब ना हमारे आइलैंड को इन ब्लॉक्स से बहुत सुंदर बना सकते हैं। हाँ, तो फिर ट्राई करते हैं। मेरे पास ना ये ग्रीन वाले ब्लॉक्स हैं, इनको ना मैं इस ये वाले ब्लॉक के साइड में लगा देता हूँ, 1 ब्लॉक के साइड में। हाँ शिनचान लगाओ, वैसे भी मैं ये व्हाइट वाले ब्लॉक से तो बोर हो गया था, अब कुछ नया लगा के ट्राई करते हैं। हाँ दोस्तों देखो, मैंने बना दिया। और बहुत बढ़िया शिनचान, लेकिन वो जो अलग वाले ब्लॉक्स है वो सही नहीं लग रहे। अरे लेकिन अभी हमारे पास सारे डार्क ग्रीन वाले नहीं है ना, इसे थोड़ी देर तक वो अलग वाले लगाएंगे, जब और ब्लॉक्स मिल जाएंगे तो उसको और सुंदर बना देंगे। उसके लिए पहले हमें माइनिंग करनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है दोस्तों, चलो माइनिंग करते हैं। अरे 1 सेकंड दोस्तों, हमारी आयरन वाली पिकैक्स कहाँ गई? हाँ मुझे नहीं पता, मसाओ तुम ढूंढ लो। अरे यार वो ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वहाँ पे गोल्ड ब्लॉक आ गया, हम तोड़ नहीं सकते उसको। ये वाली चश्मे देखता हूँ, यहाँ पे भी नहीं है। ये वाली देखता हूँ, इस पे भी नहीं है। अरे दोस्तों हमारी आयरन की तो पिकैक्स ही खो गई। ओए मसाओ तू पागल तो नहीं है, तूने हमारी कीमती आयरन की पिकैक्स खो दी। हाँ 1 सेकंड, आयरन की पिकैक्स तो हमारी इन्वेंटरी में ही पड़ी है, तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? अरे इन्वेंटरी में थी, मुझे तो दिखी नहीं। ओए पागल है क्या, अंधा हो गया क्या गंजे? अरे अच्छा हुआ इन्वेंटरी में थी, मैं तो डर ही गया था। अरे हाँ मैं भी डर ही गया था, मेरे को लगा मसाओ ने भी हमारी पिकैक्स को कहाँ खो दिया। चलो कोई बात नहीं, अब हमें मिल ही गया तो चलो अब माइनिंग कंटिन्यू कर लेते हैं। अरे दोस्तों देखो, यहाँ पे तो एक टर्टल स्पॉन हुआ। अरे बहुत बढ़िया, मुझे टर्टल्स बड़े पसंद है। हाँ बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ पे एक टर्टल स्पॉन हुआ, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और चलो टर्टल भी स्पॉन हो गया, माइनिंग कंटिन्यू कर लेते हैं। अरे दोस्तों मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ कौन सा आइडिया है? अरे तुम 10 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में एक आइडिया अपने आइडिया को पूरा करके दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, हम 10 मिनट वेट कर रहे हैं। दोस्तों देखो ये मैंने क्या किया। और ये क्या कर दिया तूने कजामा? हाँ कजामा, ये तुमने क्या कर दिया, हमारे यहाँ पे गड्ढा क्यों बना दिया? अरे मैंने गड्ढा बना दिया ताकि ना कोई भी स्पॉन हो तो वो डायरेक्ट यहाँ नीचे गिर जाए और वो नीचे फंस जाए, ऐसे हमारे आइलैंड में ना घूमे। हाँ, अब हम गिरे तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? अरे देखो मैंने ना ऐसे लैडर लगा दी, हम इस लैडर से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मॉब्स इस लैडर से ऊपर नहीं जा सकते। बढ़िया कसमा, इसका मतलब अगर आप कभी भी वो ना स्केलेटन स्पॉन हुए तो वो डायरेक्ट पानी में गिर के फंस जाएंगे। ओए बहुत बढ़िया, चल मैं माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ। ओए ये क्या, मुझे डायमंड मिल गया। हाँ बहुत बढ़िया, जैक भैया को डायमंड मिल गया। अरे दोस्तों मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा, हमें डायमंड मिल गया 1 ब्लॉक में। अरे दोस्तों डायमंड देखो कितना सुंदर है यार, मैं जल्दी से इन्वेंटरी खाली कर लेता हूं, फिर डायमंड माइन करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, डायमंड मिल गया, मेरे को तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे 1 ब्लॉक में हमें डायमंड भी मिल सकता था। अरे हाँ लेकिन जैक भैया ने डायमंड ढूंढ निकाला। ओए फ्रेंड्स अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, चलो डायमंड माइन कर लेते हैं। ओए मैंने डायमंड माइन कर लिया। हाँ बहुत बढ़िया, हमें एडवांसमेंट मिली डायमंड की। हाँ सब ये देखो, मेरे हाथ में डायमंड है। अरे बहुत बढ़िया शिनचान, चलो अब डायमंड को ना चेस्ट में रख देते हैं और फिर माइनिंग कंटिन्यू करेंगे। हाँ वो की बात सही है। ओए बहुत बढ़िया, चलो माइनिंग कंटिन्यू करते हैं। ओए दोस्तों एक अजीब सी स्पॉन हुई है और इसके हाथ में एक भाला है। हाँ, वो भाला नहीं, वो ट्राइडेंट है। अरे हाँ जैक भैया उससे दूर हो जाओ, वो ट्राइडेंट है, ट्राइडेंट अगर आपको लगा तो आप मर जाओगे। और ये क्या, मैं इसको मार देता हूँ, निकल जाए यहाँ से। अरे जैक भैया भागो, ट्राइडेंट से बहुत हट जाते हैं। और ये क्या, उसने तो 2 शॉट में मेरे सारे हार्ट ले लिए, मैं हाफ हार्ट पे हूँ। जैक भैया साइड हो जाओ, अगर आपको एक और ट्राइडेंट लगा तो आप मर जाओगे। अरे भगवान का शुक्र है कि जैक भैया हाफ हार्ट में बच गए, नहीं तो एक और ट्राइडेंट लगता तो वो मर जाते और सारा सामान कुछ नीचे गिरता तो सामान भी खो जाता। ओए कोई बात नहीं, मैंने मशरूम स्टू खा लिया, मेरे पेट भर गया, हार्ट वापस ऊपर आ रहे हैं। चलो अब हमें उस ट्राइडेंट वाले को मारना ही पड़ेगा। अरे हाँ अब हमें इसको मारना ही पड़ेगा। ओए डरो मत, मैं इसको मार दूंगा। अरे जैक भैया ना संभाल के, अगर उसका ट्राइडेंट लग गया तो हम मर जाएंगे। ओए डरता नहीं हूँ मैं, निकल जाए यहाँ से, इसको ऊपर से मारूंगा, इसको दिख भी नहीं रहा मैं। बहुत बढ़िया, मार दो जैक भैया इसको। ओए ठीक है मैंने मार दिया इसको, इन्हें ट्राइडेंट ड्रॉप किया क्या? अरे देखो देखो, अरे नहीं इसने ट्राइडेंट ड्रॉप नहीं किया। हाँ दोस्तों मुझे ये डार्क प्रिज्मरीन के बहुत सारे ब्लॉक्स मिल गए, मैंने हमारे पूरे साइड वाली चीज को ना ये पर डार्क ग्रीन वाले ब्लॉक से भर दिया। बहुत बढ़िया शिनचान, ये बहुत सुंदर लग रहा है। अरे शिनचान अब एपिसोड एंड कर दो, अब आज के लिए बहुत हो गया।
तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया और इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से आज के एपिसोड में 5000 लाइक्स कर दो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।